हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब यार। आई होप आप बढ़िया होंगे। ठीक है, हमें गन पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है यार, ये तो कोई बच्चा भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, टोटल प्लेयर 254, उसका स्कोर 11 हो रहा है। मतलब कोई चांस ही नहीं है भाई सामने वाली टीम की, कोई चांस नहीं है। उसमें लाख प्लेयर भी आ जाए तब भी इस टीम को नहीं हरा सकते थे। पैसा आपको कम मिलेगा बट डेफिनेटली आप विन करोगे। ठीक है गाइस, तो ऐसे गेम में आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं इसके बारे में भाई, ध्यान से। ठीक है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से खेलना है। ठीक है, ठीक है, अब हम अगेन चलते हैं। देखो, आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी गाइस। टिप्स एंड ट्रिक्स से मतलब आपको औसत स्कोर भी देखना पड़ेगा, प्लेयर्स भी देखने पड़ेंगे और रैंडम गेम्स भी देखना पड़ेगा। ठीक है, गेम देखने का मतलब गाइस मैं बोल रहा हूँ कि आपको कौन सा गेम, लो स्कोरर, औसत स्कोरर या फिर फास्ट स्कोरर। ठीक है, आपको तीन तरीके के गेम आते हैं। ठीक है, उन गेमों में से एक गेम को चुनना पड़ेगा कि वो कौन सा गेम है, आप कौन सा खेल रहे हो। आपको पता होना चाहिए इसमें कितने प्लेयर है, कितने तेज़ी से स्कोर चलता है। डेफिनेटली यहाँ पर एक माइंड रनर का गेम है जिसमें स्कोर एवरेज चलता है, यानी कि नॉर्मली चलता है, ना फास्ट चलता है। डेफिनेटली मैं इसको 17 सेकंड में ज्वाइन कर रहा हूँ एंड देन बूम। ठीक है, यहाँ 219 प्लेयर है, 7 स्कोर है। ठीक है, तो मैं बेसिकली ज़्यादा प्लेयर्स पे आऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर अगर 50 प्लेयर्स कम होते 219 में, तो मैं डेफिनेटली हल्की सी रिस्क लेने की कोशिश करता, लेकिन प्लेयर्स थोड़े से अकॉर्डिंग तो ज़्यादा है मेरे हिसाब से, तो माइंड रनर को बिल्कुल छप लिया। देखो, बराबर स्कोर है लेकिन फिर भी माइंड रनर जीता। क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा सा स्कोर बढ़ा हुआ। तो गाइस ऐसा ही होता है। ठीक है, तो विन करो, मज़ा।